आत्मनिर्भर 3.0 पैकेज का समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है। इस पैकेज से जहां उद्योगों को बल मिलेगा, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी सशक्त बनाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। जिले में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा इस पैकेज का स्वागत किया गया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। पड़ा था उसके असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का अनाउंसमेंट किया है। इसमें 2,65,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जो 12 अलग अलग पैकेजेस में जनता के फायदे के लिए दी जाएगी। इसमें एक घटक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। जैसे कि आप जानते हैं आवास योजना, तो आवास योजना में 18,000 करोड़ रुपए दोबारा से सरकार के द्वारा डिसबर्स किए गए हैं, जिससे लगभग 30 लाख हितग्राहियों के मकान निर्माण होगा और 78 लाख लोगों को रोजगार का मुहैया की जाएगी। आपको पता है कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे आए थे कोविड के टाइम पे, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में आ गए थे, दोबारा उनको गुड़गांव दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। जब आवास योजना के 30 लाख घरों का निर्माण होगा तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा जो लगभग 2 से 3 साल तक चल सकता है। तो ये एक बेनिफिट बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे पैकेजेस हैं उसमें निर्माण बुनियादी ढांचा में भी कुछ पैसा दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट है कि उर्वरक में लगभग लगभग 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 14,000 किसानों को इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए भी 900 करोड़ रुपये का एक पैकेज डिसबर्स किया गया है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को। एम गरीब कल्याण योजना के तहत भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई है और इन पैकेजेस से निश्चित रूप से कोविड से जो इकोनॉमिक डिग्रेडेशन आया इंडिया में, उससे ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं पुरानी टिहरी टीकमगढ़ वार्ड नंबर 1 मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। बहुत समय से मैं मुंबई में काम कर रहा था, अभी कोरोना काल की वजह से मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा और मेरा घर जो है वो बिल्कुल भी रहने की स्थिति में नहीं था। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो हमें अनुदान मिला है, जिससे मेरे लिए एक मेरा सपना साकार हो रहा है, मेरा घर बन रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि साथ साथ जो यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं 2-3 महीने के लिए, उनके लिए भी रोज़गार है और हमारा आवास भी बन रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिसके तहत जो है लोगों को लाभ हो रहा है। हमारे जैसे लोग जो कि बहुत समय से हम सिर्फ किराए पर ही रह रहे थे, आज अपने खुद का मकान बन रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम जनता के लिए बड़ी राहत और सुखकारी घोषणाएं हैं। ये समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत सुदृढ़ और संबल प्रदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर भारत तरक्की की ओर जा रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे पक्के मकान हो, स्वच्छता अभियान हो या नारी उत्थान हो, हर क्षेत्र में भारत उन्नति की ओर जा रहा है। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने उनके कुशल नेतृत्व में जो 18,000 करोड़ रुपए शहरी आवास योजना के लिए दिया है, उससे लगभग 30 लाख पक्के मकान बनेंगे जो कच्चे मकानों में रहते हैं। पक्के मकानों में रहने से बीमारियां दूर होती हैं और रहने का तरीका, लोगों का अंदाज बदल जाता है। वो बदलेगा, जो 70 सालों में नहीं बदला वो अभी दिखने लगा है कि हम भारत में रहते हैं तो हमारे यहाँ भी तरक्की हो रही है विदेशों जैसी। विदेश मतलब अमेरिका की तरफ, अमेरिका को सबसे समृद्ध माना जाता है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। इससे कम से कम 78 लाख लोगों को रोजगार भी पैदा होगा। इस वर्ष 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक ये योजनाएं चलेंगी। आत्मनिर्भर भारत योजना 3 के अंतर्गत जो हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 12 योजनाओं की घोषणा की है, उनमें जो शहरी आवास योजना के अंतर्गत 30 लाख मकानों के निर्माण और 78 लाख लोगों को रोजगार की जो योजना है वो बहुत मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा देगी।
इसी प्रकार किसानों को जो उन्होंने घोषणा की है 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी के लिए, वो लाभ सीधा किसानों को मिलेगा और उन्नत खेती में हमें फायदा मिलेगा। इसके साथ ही छोटे कर्मचारी जिनकी सैलरी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है, उन्हें पीएफ योजना में अगर रजिस्ट्रीकृत हैं तो उनके पंजीकृत उसमें उन्हें सीधा लाभ मिलेगा, या जो लोग अभी पंजीकृत नहीं हो पाए थे अभी पंजीकृत हुए हैं उन्हें भी लाभ देने की बात उसमें की गई है। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं जो सीधा मध्यम वर्ग को प्रभावित करेंगी, उन्हें लाभ देंगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कारण जो मजदूर लोग बाहर पलायन करते हैं उनका पलायन करना रुक जाएगा, इससे कोरोना से भी उनकी बचत होगी, दूर कहीं जाना नहीं है, कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं जाना है, अपने सीमित क्षेत्र में उनको काम करना है, दौड़ धूप में उनका पैसा खर्च नहीं होना है, और जितना भी काम करेंगे उसका जो लाभ हो उनको मिलेगा मजदूरी में, वो सीधा उन्हें उनके परिवार के पालन पोषण के काम आएगा। ये बहुत अच्छी पहल है और ये पहल स्वागतीय है।